भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी चीजों को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन लोगों में अपनी मान्यताएं हैं जिसे लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भारत देश देवी देवता और संतों की पवित्र भूमि है, जिसमें बैतूल जिले चिचोली विकास खंड के मलाजपुर स्थित गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल के नाम से सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गतिविधियों के कारण विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ प्रदेश सहित कई प्रांत, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रांत के रहने वाले लोग यहाँ समाधि स्थल पर माथा टेकने आते हैं। गुरु साहब बाबा समाधि स्थल पर 400 सालों से अधिक समय से देवजी गुरु साहब बाबा का मेला लगता है, जो मकर संक्रांति की पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक लगता है। पूर्व से ही प्रसिद्ध स्थान है, भारत में पहला एक ऐसा स्थान है जो गुरु साहब बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं लेके लोग आ जाएं, अपनी बाधाओं से मुक्ति होती है। यहाँ तेलंगाना से, आंध्र से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, प्रॉपर मध्य प्रदेश से, सभी जगह से बहुत से लोग, सामाजिक लोग भी आते हैं और दूसरे विगत लोग भी आते हैं, और वो सारे लोग अपनी बाधाओं को यहाँ चरणागत भगवान के चरणों में प्रणाम करके और रखते हैं और सारी बाधाएँ खत्म हो जाती हैं। और यहाँ समाधि स्थल पर ऐसी क्या मान्यता है जिसके लिए प्रचलित है? सामाधिक स्थल में बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो बिना संतान के आती है, यहाँ आके वो अपनी मन्नत करके संतान होती है। किसी कैसा भी सर्प डंस हो जाए, अगर यहाँ आए इसकी शरण में, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। यहाँ क्या प्रसिद्धि है? यहाँ प्रसिद्धि ये है कि जो मेला लगता है एक माह, इसमें जो प्रसाद चढ़ता है उसमें मक्खियाँ कहीं से कहीं भी नहीं होती है, और बहुत सी प्रसिद्धियाँ यहाँ, तो अपन अगर गिने तो बहुत प्रसिद्धियाँ हो जाएंगी। कब से कब तक लगता है यहाँ मेला? लगता है माघ पूष पूर्णिमा खत्म होती, माघ लगता उस दिन से, तो बसंत पंचमी 20 दिन का मेला लगता है। सन 1600 ईस्वी यानी लगभग 400 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो संत थे देवजी साधी, उनने जिंदी समाधि यहाँ ली है, उसी का ये सामने जो फर्श है वो जिंदी समाधि का है। बुधवार को बसंत पंचमी के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर माथा टेका। भूतों के मेले के नाम से प्रख्यात यह मेला पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भूत प्रेत बाधा बुरी आत्माओं से प्रभावित लोग समाधि स्थल की उल्टी प्रक्रिया करते ही जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है वह दूर हो जाता है। श्री गुरु साहेब दरबार का जो यहाँ मेला लगता है ये करीब चार पीढ़ी हो चुकी है, 400 वर्ष तब से यहाँ से चला आ रहा है। और इस गुरु साहब दरबार की प्रसिद्धि में ये है कि यहाँ सभी प्रांतों के, अपने आसपास के, महाराष्ट्र, आंध्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन सभी दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। विशेषकर प्रेत बाधा और निसंतान दंपति और जो कष्ट के रूप में जो अपने माने दिल से, उन्हें यहाँ पे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और दूर दराज के सभी लोग यहाँ पे आते हैं, गुड़ का प्रसाद चढ़ता है और उसमें मक्खियाँ नहीं लगती है, कई ऐसे चमत्कार है, और निश्चित रूप से यह सिद्ध स्थान है। साल भर गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर गुड़ का प्रसाद चढ़ाने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बड़ी मात्रा में गुड़ एकत्रित होने के बाद भी पूरे परिसर में चींटी और कीड़े मकोड़े, मक्खी नजर नहीं आते, जो हैरत की बात है। लोक आस्था यह चमत्कार अद्भुत है। मान्यता है कि सन 1770 में गुरु साहब बाबा नाम के संत थे, उनके पास कई चमत्कारी शक्ति थी, वह भूत प्रेत को अपने वश में कर लेते थे। गुरु साहब बाबा ने यहाँ जिंदी समाधि ली थी, तभी से गुरु साहब बाबा के नाम से प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। रिपोर्टर राजेंद्र दुबे, चिचोली।